नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है। सोशल मीडिया पर हैशटैग द कश्मीर फाइल्स लगातार ट्रेंड हो रहा है। थिएटर्स में शो हाउसफुल जा रहे हैं, हॉल के अंदर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, बाहर निकलते समय उनकी आंखों में आंसू है। भले ही एक तबके के में इस फिल्म को लेकर क्रेज है, तो दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हैं जो इसकी बुराई कर रहे हैं। खैर, इन सबके बीच विवेक की 10 साल पुरानी फोटो, जामा मस्जिद की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जी हाँ, 1990 में घाटी में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित फिल्म को लेकर भर्ती बहस के बीच एक पुराना ट्वीट और डायरेक्टर का एक फोटो फिर से सामने आया है और वायरल हो गया है। ये ट्वीट 10 साल पहले 2012 में किया गया था, जिसमें विवेक जामा मस्जिद के सामने दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री के कैप्शन में लिखा था जामा मस्जिद में, इसके साथ उन्होंने हैशटैग फ्रीडम भी लिखा था। 11 मार्च को फिल्म रिलीज हुई। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में ये मूवी सिर्फ 700 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, लेकिन जबरदस्त सफलता को देखते हुए 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। ये मूवी अभी 11 मार्च को ही रिलीज हुई है और कम बजट में बनी इस मूवी ने अब तक 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया। साथ ही कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री भी किया गया। इस मूवी में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी जैसे स्टार्स भी हैं। अगर मैं बात करूं इसके टैक्स फ्री की, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे और अन्य देशों ने इसको टैक्स फ्री कर दिया, जिससे आम जनता जो है वो ये मूवी देखने जा सके, इस फिल्म को देखने जा सके। और आपको खासकर बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस चीज को बोला कि सभी नेताएं और आम जनता इस मूवी को, इस फिल्म को देखने जरूर जाएं, क्योंकि आपको इससे कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और आपको ये फिल्म कैसी लगी? अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइव।